So far we have studied about Telnet and SSH. These both protocols are coming under line VDY configuration of the device. ठीक है, अब अगला टारगेट क्या है हमारा, सिक्योरिंग दी लाइन VDY. ठीक है, सो नेक्स्ट टास्क इज सिक्योरिंग लाइन VDY. ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है यूज टेलनेट और SSH. So first thing is what? Always use SSH. क्यों? क्योंकि SSH क्या है? Secure. ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या लिखवाए थे पॉइंट, नहीं लिखे ना किसी ने? दूसरा पॉइंट है एक्सेस क्लॉज. ठीक है, इसको समझेंगे हम अकॉर्डिंग टू टास्क. सी वी शुड यूज SSH बिकॉज SSH इज मोर सिक्योर, बट वी will be doing all the practical with telnet. Telnet configuration is easy. So let me do what? Let me reload router. ठीक है, टेलनेट इनेबल कर देते हैं लाइन VDY 024. अभी यूज कर लेते हैं नो लॉगिन. ठीक है, कोई पासवर्ड ना पूछे डिवाइस. डन. नाउ टास्क. इनेबल टेलनेट सर्विसेज ऑन R2. But make sure R2 accepts telnet request only if the source IP is from 192.168.1.0.7. Task clear. R2 पे हमें telnet services enable करनी है. R2 टेलनेट सर्विसेज को एक्सेप्ट तभी करे अगर हमने टेलनेट रिक्वेस्ट इस सबनेट से इनिशिएट किया है. राइट नाउ आप सभी को पता है अभी अगर हमने R1 से टेलनेट किया R2 को तो हो जाएगा, R3 से टेलनेट किया R2 को हो जाएगा, PC से टेलनेट किया R2 को हो जाएगा. ऐसी कोई भी आईपी अभी डिवाइस को टेलनेट कर सकती है जो आईपी इस डिवाइस से रीचेबल है, जिस आईपी के लिए इस डिवाइस के पास क्या है, राउट. ठीक है, दिखा देता हूं आपको. R1 से अगर हम टेलनेट करते हैं 1.2 हो रहा है टेलनेट, हो गया. R3 से अगर आप टेलनेट करोगे हो रहा है, कल नहीं आए ना तुम, हाँ तो उसका मतलब है कोई ऑथेंटिकेशन ना करे. ठीक है, राइट नाउ वी हैव सीन दैट दिस डिवाइस इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स IP. अब ये तो गलत है. अब रियल टाइम में क्या होगा, आपके पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा सबनेट होता होगा जहां पे IT वाले बंदे बैठते होंगे और वहां से ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं. ऐसा ना हो ना कि कहीं से भी आप डिवाइस को एक्सेस कर सके.
there is always a management subnet. This subnet se aap device ko manage kar sako. So right now in our scenario we are considering 1.0 as management subnet. ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि डिवाइस टेलनेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे अगर रिक्वेस्ट आए 1.0 सबनेट से किसी भी आईपी से. बताओ कैसे करेंगे? एसीएल तो सुना होगा सबने, है ना, एक्सेस लिस्ट. अब या तो हम क्या करें, इस इंटरफेस पे एक एसीएल लगा दें, परमिट टीसीपी 1.02 EQ, Telnet और deny TCP any. तो इस इंटरफेस से केवल इस आईपी से टेलनेट परमिट होगा. अब यहां पे एक और इंटरफेस है, यहां पे क्या एसएल लगानी पड़ेगी, deny TCP any to host 1.2 और 2.1. मान लेते हैं मेरे पास एक और इंटरफेस है, उस इंटरफेस पे भी एसएल लगानी पड़ेगी. एक और इंटरफेस है, उस इंटरफेस पे भी एसएल लगानी पड़ेगी. अब आप सभी को पता है अगर मैंने यहां पे एक एसएल लगा दी, मेरे पास फ्यूचर में कोई और रिक्वायरमेंट आए कि आप एक और एसएल लगाओ, आप एक और एसएल नहीं लगा सकते. एक इंटरफेस पे एट ए टाइम एक डायरेक्शन में आप केवल एक एसएल लगा सकते हो. दैट मींस दिस ऑप्शन इज नॉट स्केलेबल. आप ये यूज कर सकते हो बट इट इज नॉट ए स्केलेबल वे ऑफ सिक्योरिंग. हाँ भाई, कितने इंटरफेस होंगे रियल टाइम में, आपको दो इंटरफेस थोड़ी मिलेंगे, 10 सब इंटरफेस कंफिगर्ड होते हैं. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज नॉट ए स्केलेबल वे ऑफ अप्लाइंग एसीएल फॉर टेलनेट यूजर्स. ठीक है, सो द स्केलेबल ऑप्शन इज व्हाट, यू नो दैट व्हेन एवर टेलनेट रिक्वेस्ट इज कमिंग टू ए राउटर, राउटर ऑलवेज चेक्स व्हाट, line BTY configuration. Now there should be a way by which we can apply one ACL under line BTY. देखो, अगर request आई इस interface से, तो भी router क्या check करेगा? Line BTY की configuration. अगर यहाँ से कोई telnet request आई, तो भी क्या check करेगा? अगर यहाँ से कोई request आई, तो भी क्या check करेगा? Line BTY. कितने line BTY configuration होता है device पे? केवल एक. No matter from which interface you are receiving the request. So there should be a way by which we can apply ACL directly under line BTY. अगर हमने कोई ACL line BTY पे लगाई, that ACL will only affect our telnet and SSH traffic. वो किसी और सर्विस को इफेक्ट नहीं करेगा. Clear? So if we want to limit the telnet or SSH traffic, what we can do? We can apply ACL under line BTY by using which keyword? Access class. ठीक है? Done? To limit the telnet or SSH traffic, we can apply access list directly under line BTY. We can apply ACL directly under line BTY. Now we can apply both standard as well as extended ACL, but here there is no significance of using extended ACL. Why? Because whenever we are applying ACL under line BTY, line BTY means what? The traffic is destined to the device. So we don't care what is the destination, either 1.2 or 2.1. What we mainly want to filter, the source IP. And standard ACL is the best way to filter the source IP. Okay? So what we will be using? We will be using standard ACL to filter the traffic. ठीक है? Done? So now what we will do for this task? We will create a standard ACL on device
एक्सेस लिस्ट 10 क्या इसे बनाएंगे? पहले तो नाम देते हैं नंबर 10 डिनाई सॉरी परमिट वाई होस्ट, एक नेटवर्क बोला है ना तो नेटवर्क एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई एनी, ये ऐड करना चाहो या ना करना चाहो ये आपके ऊपर है, ठीक है। ऐड करने का ये फायदा हो सकता है आप अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो उसके लिए लोग मैसेज जनरेट कर दो, ठीक है, ये फायदा हो सकता है इसका। और इसको कहां पे लगा दो, लाइन btby 024 एक्सेस क्लास 10, ठीक है, इंटरफेस पे नहीं लगा रहे ना, एसएल क्रिएट की और उसको अप्लाई कर दिया लाइन btby के अंडर यूजिंग विच कीवर्ड एक्सेस क्लास 10 इन, ठीक है। नाउ लेट अस अगेन टेस्ट। अब जो भी हमने एसएल लगाई है दिस एसएल वोंट इफेक्ट एनी प्रीवियस सेशन, अगर पहले से कोई सेशन बना हुआ है उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगी, अगर आप कोई नया सेशन बनाओगे उसको इफेक्ट करेगी। अब बताओ क्या मैं R1 से R2 को टेलनेट कर सकता हूं? कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि R1 बाय डिफॉल्ट क्या IP यूज करेगा 1.1। R3 से क्या टेलनेट कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि IP क्या है 2.2। R1 से टेलनेट किया हो गया, R3 से टेलनेट किया नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर। R1 से हमने टेलनेट किया यूजिंग सोर्स इंटरफेस FA0/1। इस कमांड से हम क्या बता रहे हैं कि जब भी राउटर 1 टेलनेट की रिक्वेस्ट सेंड करे तो ये वाला IP यूज करे जो इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है। बाय डिफॉल्ट डिवाइस का ये यूज करेगा जो भी IP राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग लर्न हो रहा है, ठीक है, एग्जिट इंटरफेस, क्लियर। अब अगर आप चाहते हो कि राउटर 1 हमेशा रिक्वेस्ट को सेंड करे कौन सी इसको इंटरफेस को यूज करके 0/1, तो आप क्या कर सकते हो, ये कमांड यूज कर सकते हो। इससे बस क्या होगा, टेलनेट पैकेट में सोर्स IP बदल जाएगा, ठीक है, क्या होगा टेलनेट। अब एक बात बताओ, यहां पे कनेक्शन रिफ्यूज क्यों नहीं लिखा आया? अगर मैं R3 से कर रहा हूं तो कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है, R1 से किया तो कनेक्शन रिफ्यूज क्यों नहीं आया? क्या तो भाई अगर ACL से मैच करेगा तो क्या करना चाहिए, डिनाई करना चाहिए, देखो डिनाई भी कर रहा है बट कोई वो लिखा नहीं आ रहा, कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय रिमोट होस्ट, क्या है कनेक्शन टाइम डाउट, क्यों? यहां से रिक्वेस्ट आई, डिवाइस ने क्या भेज दिया, फिनिश मैसेज, भैया कनेक्शन नहीं बनेगा। यहां से रिक्वेस्ट आई, डिवाइस इज नॉट एबल टू सेंड फिनिश मैसेज। आपको याद होगा मैंने डिवाइस को क्या किया था, रीलोड, तो मतलब जो राउट मैंने ऐड किया था 150 नेटवर्क के लिए दैट राउट हैज बीन क्लियर्ड। तो मुझे राउट अगर मैं दोबारा से ऐड कर दूंगा तो कनेक्शन रिफ्यूज आ जाएगा, और देखो कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है और लॉग मैसेज भी, लॉग मैसेज क्यों नहीं आया, आ रहा है लॉग मैसेज, डन। अगर आप ACL में केवल एक एंट्री ऐड करोगे परमिट की एंट्री तो आपको जो भी ट्रैफिक डिनाई हो रहा है उसके लिए कोई लॉग मैसेज नहीं आएगा, यू वॉन्ट
मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि किस आईपी से सेशन बना था या फिर कोशिश हुई थी. डन. तो पहला तरीका क्या है, हम पहला तरीका क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई एक्सेस क्लास अंडरलाइन VTY, जिससे कि हम क्या लिमिट कर सकते हैं कि कौन कौन आईपी डिवाइस को एक्सेस कर सके. नहीं, इंटरफेस में नहीं, इस कंसोल पे दिखा रहा है. आप उसको सेव भी कर सकते हो. आप चाहते हो जो भी लोग डिवाइस पे जनरेट हो रहा है वो कहीं पे सेव हो, यहाँ पे आप उस सर्वर का आईपी बता सकते हो, सिस्लो. ठीक है, रियल टाइम में ये सब कॉन्फ़िगर्ड होता है. नींद आ रही है, चाय का टाइम हो गया. अगला टॉपिक है आइडल टाइम. ठीक है, आइडल टाइम आउट से आप समझते हैं क्या हो? आइडल टाइम आउट का मतलब है कि अगर किसी यूजर ने डिवाइस को एक्सेस किया, मान लो टेलनेट किया या फिर एसएसएच किया, एसएसएच करने के बाद उस टर्मिनल पे कोई कमांड रन नहीं की, वो सेशन क्या है? आइडल. ठीक है, इसका मतलब है आइडल टाइम आउट. अब बाय डिफॉल्ट आइडल टाइम आउट क्या होता है डिवाइस पे? है 30 सेकंड तो नहीं होगा. देखो मैंने इसलिए सेशन बनाया, यहां पे R2 से करते हैं, डू शो यूजर्स. सेशन आइडल है आपका 44 सेकंड से. देखते हैं, एक मिनट तो नहीं है. एक से ज्यादा है. ठीक है, डन. मतलब बाय डिफॉल्ट मेरे अकॉर्डिंग शायद टाइम होना चाहिए 5 या 10 मिनट. आई एम नॉट श्योर डिफॉल्ट क्या होता है. ठीक है, बट वी कैन मैन्युअली कॉन्फ़िगर दिस टाइम. ये राउटर स्पेसिफिक है, ये आइडल टाइम आउट जो है 5 या 10 मिनट शायद ये सेम होना चाहिए हर डिवाइस पे. नहीं, अगर वेंडर अलग है तो उसके अकॉर्डिंग तो डिफरेंट हो गई, तो होना चाहिए. बट आप हमेशा, आपको रियल टाइम में हमेशा ये कॉन्फ़िगर्ड मिलेगा, डिफॉल्ट पे कभी कोई नहीं जाता. ठीक है, अगर आपको डिफॉल्ट पता लगाना है आप इस सेशन को आइडल देख के छोड़ के देख सकते हो कि कहाँ तक जा रहे हैं. ठीक है, ठीक है. So if you want to set idle timeout, task अगर हम लिखे task, sorry, R2 should terminate any Telnet session if it is idle for more than अभी हम रख लेते हैं 1 मिनट. ठीक है, if the session is idle for more than 1 minute ASS should automatically terminate the session. देखो 7 मिनट तो हो गए, 5 मिनट नहीं है, 10 मिनट भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो. मान के चलते है ही नहीं, कॉन्फ़िगर करते हैं इसको. ठीक है, अगर आपको डिवाइस पे क्या कॉन्फ़िगर करना हो, आइडल टाइम आउट, तो आप क्या कमांड यूज करते हो? लाइन VTY 024 एग्जैक्ट टाइम. यहां पे आप बताते हो टाइम इन मिनट्स
और यहाँ पे बताते हो आप टाइम इन सेकंड्स, सेकंड्स ना बताना चाहो तो आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस कमांड इज टू सेट द आइडल टाइम आउट ऑन लाइन BTY। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप लाइन BTY के अंडर कर रहे हो, दैट कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर बोथ टेलनेट एंड SSH। To set the idle timeout, ठीक है, line BTY 024 exec timeout C, time in minutes and then time in seconds, एक मिनट। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टाइम बता दो या फिर डायरेक्टली क्या कर दो एंटर। CR का मतलब क्या है? एंटर, ठीक है, होगी कोई फुल फॉर्म इसके भी? क्लियर नहीं होगा, कैरिज रिटर्न होगा, ऐसा कुछ होगा, क्लियर नहीं होगा। अच्छा ठीक है, देखो आप, मैंने क्या टाइम कर दिया यहां पे, सेट एग्जैक्ट टाइम आउट 1, डन। क्या सेशन टर्मिनेट हुआ? ये सेशन कितनी देर से आइडल था? कम से कम 8 मिनट से। सो इफ यू आर सेटिंग एग्जैक्ट टाइम आउट, दिस कमांड विल नॉट इफेक्ट एनी प्रीवियस सेशन। अगर आप कोई नया सेशन बनाओगे तो वो एक मिनट बाद अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। सो व्हाट वी विल डू राइट नाउ, वी विल मेक वन टेलनेट सेशन फ्रॉम R3 टू R2, एक और सेशन बनाते हैं। बट अभी हम सेशन को R2 पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने क्या लगा रखा है? ACL। सो फर्स्ट लेट अस रिमूव द ACL। ठीक है, लेट अस टेलनेट फ्रॉम R3। अच्छा, मैंने यहां से कमांड चला दी क्या? सेशन ये टर्मिनेट कैसे हो गया? किसने कहा था? है? देखा तुमने? अच्छा, मैंने भी 10 मिनट बताया था। तो अब R1 से कर लेते हैं, 1.2। नाउ डोंट रन एनी कमांड, एंटर करोगे तो दोबारा से सेशन आइडल टाइम आउट स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी सेशन का आइडल टाइम आउट कितना है? 8 सेकंड। अब मैं सेशन पे गया, एंटर कर दिया, मतलब मैंने कोई एक्टिविटी की, दोबारा से टाइम स्टार्ट हो गया। जब तक आप कोई एक्टिविटी नहीं करोगे कंटिन्यूसली फॉर 1 मिनट, तो ही सेशन क्या होगा? टर्मिनेट। वेट करो अब 1 मिनट, बहुत लंबा है अगर वेट करो तो 1 मिनट। ठीक है, और क्या बचा है सिक्योरिंग 9BTY में? यूजर नेम पासवर्ड हो गया, चेंजिंग टेलनेट पोर्ट, और फिर ये भी आएगा कंट्रोलिंग ब्रूट फोर्स अटैक, होने वाला है। देखो R1 पे जाओ आप, कनेक्शन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट, क्यों? क्योंकि सेशन 1 मिनट से ज्यादा आइडल नहीं रह सकता। ठीक है, अब यहां पे आप ये बताओ, अकॉर्डिंग टू रियल टाइम रिक्वायरमेंट आइडल टाइम आउट कितना होना चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 3 1 मिनट। अभी मान लो किसी यूजर ने डिवाइस को टेलनेट किया, टेलनेट करने के बाद अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसको करनी थी उसको कमांड नहीं मिल रही, तो वो क्या करेगा? मे बी फोन कॉल करेगा अपने सीनियर को, या फिर गूगल करेगा। गूगल करेगा तो सेशन क्या रहेगा? आइडल। तो 1 मिनट तो नहीं रखोगे आप, नहीं तो क्या होगा, यूजर को बार बार टेलनेट करना पड़ेगा डिवाइस को, राइट? इसलिए आप 1 मिनट नहीं रखोगे, आप या तो 5 मिनट रख लो या फिर
10 मिनट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ज्यादा ही क्रिटिकल है कि जब भी कोई यूजर एक्सेस करे, नहीं 5 मिनट बाद सेशन टर्मिनेट होना ही चाहिए, तो आप क्या रख सकते हो 5 मिनट। ठीक है, अब पहली बात, रियल टाइम में आप क्या नहीं यूज करते, टेलनेट क्या यूज करते हो, एसएसएच। एसएसएच में क्या होता है, यूज की। ठीक है, अब आप सभी को पता है, मान लो मैंने इस पीसी से इस राउटर को क्या किया, एसएसएच। ये राउटर क्या करेगा, अपनी की देगा पीसी को या फिर डिवाइस को। अब अगर बीच में कोई अटैकर बैठा है, वो भी की इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है, एंड देन यूजर कैन यूज दैट पर्टिकुलर की एंड द सेशन टू डिक्रिप्ट द डेटा। ठीक है, वो अटैकर क्या कर सकता है, सेशन को डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, अब डिक्रिप्ट करना इतना इजी नहीं होगा, मान लो आपने कोई की सेंड की और डायरेक्टली आपने आपको की मिल गई, तो आपका आपने सेशन डिक्रिप्ट कर लिया, नहीं, उस सेशन को यूज करके एक और सेशन बनता है। ठीक है, क्लियर। अब ये अटैकर क्या कर सकता है, अटैकर के पास की भी है और जो सेशन बन रहा है उस सेशन की इंफॉर्मेशन भी है, उस सेशन की इंफॉर्मेशन को यूज करके और की को यूज करके दिस अटैकर कैन डिक्रिप्ट। देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल। ठीक है, अब यहां पे बात आई की, जितना की का साइज ज्यादा होगा उतना सिक्योरिटी ऐड करेंगे हम, लेकिन यहां पे अगर कोई अटैकर है, अटैकर कैन गेट द की एंड गेट द सेशन इनक्रिप्शन, और उसको दोनों को यूज करके ही कैन ट्राई टू डिक्रिप्ट द सेशन। ठीक है, अब इस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि भैया जब भी तुम नया सेशन बनाओ ना, तो क्या करो, एक नई की यूज करो। मैंने अभी आपको बताया, पहले एक सिक्योर सेशन बनता है, कौन सी की को यूज करके, पब्लिक की को यूज करके। अब उसी पब्लिक की को यूज करके विद इन द सिक्योर सेशन क्या करते हैं, ये एक और सिक्योर सेशन बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो नई की बन रही है ना, ये की हर 1 मिनट बाद या फिर हर 2 मिनट बाद नई बने, ताकि अटैकर गेस ना कर सके कि हाँ भाई की क्या है। जब भी आप https करते हो किसी भी वेबसाइट को, facebook.com, google.com, वो क्या होता है, सिक्योर। क्यों होता है इतना सिक्योर, क्यों, जितनी बार आप टैब कोई भी लिंक क्लिक करते हो, हर बार एक नई की जनरेट होती है। ठीक है, इसीलिए इतना सिक्योर माना जाता है। सिक्योरिटी ऐड करने के लिए आपको जो अंदर सेशन आपने बनाया है, वो सेशन बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। डन, क्लियर है, बना के देखना https के साथ और चेक करना ना, क्या पता मैं गलत हूं, कहानी बना रहा हूं मैं। वायरशार्क, ठीक है। अब मान लो मैंने इस पीसी से एक सेशन बनाया डिवाइस के साथ, एसएसएच सेशन, ठीक है, और वो सेशन 10 मिनट से आइडल नहीं है, मतलब कोई यूजर उस पर एक्टिविटी कर रहा है, मतलब अगर कोई अटैकर ने पैकेट इंफॉर्मेशन को ग्रैब किया था, ही कैन गेट एटलीस्ट 10 मिनट टू क्रैक दी सेशन। अगर मैंने एक सेशन बनाया, तो उस सेशन में हमेशा एक ही की यूज होगी सिक्योरिटी के लिए, राइट, एक सेशन के लिए एक ही यूज होगी एसएसएच के केस में। अब सेशन अगर 15 मिनट तक आइडल नहीं रहा, तो अटैकर कैन इजीली डिक्रिप्ट दी सेशन। अब अगर आप चाहते हो कि नो मैटर वेदर सेशन इज आइडल और नोट, हर 5 मिनट बाद सेशन को टर्मिनेट कर दो, किस लिए, सिक्योरिटी पर्पस, ताकि जो इंटरनल की बन रही है वो हमेशा एक नई की बने, समझे आप रीजन। टेलनेट के केस में ये जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप चाहते हो एसएसएच के केस में नो मैटर वेदर सेशन इज आइडल और नोट, हर 5 मिनट बाद क्या हो, एक नई की जनरेट। क्लियर, तो अभी टास्क क्या है, मेनली ये एसएसएच के केस में ही आएगा ये वाला टास्क। R2 should terminate the session after
5 minutes. No matter whether session is idle or no. ठीक है, ये समझ में आया था ना अभी आपको? पहले एक सेशन बनाया, उसके अंदर क्या करते हैं, एक ये की नेगोशिएट करते हैं, दैट की इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट द सेशन. अब आप चाहते हो कि हर 5 मिनट बाद एक नई की बने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर 5 मिनट बाद एक नया सेशन बनाना पड़ेगा. तो इसलिए आप क्या चाहते हो कि हर 5 मिनट बाद क्या हो जाए, सेशन टर्मिनेट. नाउ नो मैटर वेदर सेशन इज आइडल और नॉट, इट शुड टर्मिनेट आफ्टर 1 मिनट. रियल टाइम में आप 5 मिनट रखोगे, इसको यहां पे चेक करने के लिए क्या रखेंगे, 1 मिनट. ठीक है, अब अगर आपको ये टाइम कंफिगर करना है, दिस टाइम इज नोन एज एब्सोल्यूट टाइम. इन केस ऑफ SSH, अगर आपको मान लो आप इंटरनेट के थ्रू आप डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो, नॉट फ्रॉम इंटरनल नेटवर्क, अगर आपको खतरा है कि हाँ भाई कोई अटैक कर सकता है, तो उस केस में. लेकिन मुझे पता है मेरा काम जो मैं कंफिगरेशन कर रहा हूँ आधार का लग सकता है उसमें, और मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा, देखो मैंने वही कहा ना, डिपेंड करता है सिक्योरिटी पे. अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई अटैक हो सकता है, तो आप हर 5 मिनट में करोगे, नहीं तो रहने दो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. वैसे मेनली रियल टाइम में जब भी आप बाहर से किसी भी डिवाइस को एक्सेस करते हो, तो वो हमेशा VPN से प्रोटेक्ट होता है, तो उस केस में आपको ये कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहो तो यहाँ पे आप कमांड चला सकते हो, एब्सोल्यूट टाइम. ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, नो मैटर वेदर सेशन इज आइडल और नॉट, टर्मिनेटेड आफ्टर 1 मिनट. ठीक है, तो एक और कमांड चला देते हैं हम यहाँ पे, लाइन VTY024 एब्सोल्यूट टाइम, लेट अस अगेन मेक ए सेशन. सेशन इज आइडल फॉर 3 मिनट्स, हैं? अच्छा 3 सेकंड्स, 2 सेकंड. आई एम डूइंग सम एक्टिविटी ऑन दिस सेशन. Wait for some time, session will be terminated. No matter whether you are doing activity or no. The overall time is expired. Now your session will terminate. पहले एक interactive warning thing. हो जाए टर्मिनेट. हो गया, डन. दिस थिंग विल बी ओनली यूज्ड इन केस ऑफ SSH, अगर आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, नहीं तो रहने दो. डन, सो वी आर डन विद एक्सेस क्लास, आइडल टाइम आउट, एब्सोल्यूट टाइम आउट. नाउ वी विल डिस्कस चेंजिंग टेलनेट पोर्ट आफ्टर ब्रेक. ठीक है, चेंजिंग द टेलनेट पोर्ट. बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर यू आर टेलनेटिंग टू अ डिवाइस, डेस्टिनेशन पोर्ट इज 23, right? Now R2 should listen to telnet request on port number on any other port. Any port other than 23. रियल टाइम में मेनली ऐसा कभी कोई नहीं करता, बट अगर आप करना चाहो पोर्ट को चेंज, तो आप सिक्योर रहेगा. अगर कोई अटैक वगैरह करेगा, मान लेते हैं
हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं अगर ये SSH का पोर्ट चेंज है सारे राउटर के लिए चेंज करना है एक के लिए चेंज डिपेंड करता है आपको एक डिवाइस के लिए चेंज करना है या फिर सभी डिवाइसेस के लिए अच्छा तो ये मेरे को मैन्युअली आपको हर डिवाइस पे चेंज करना पड़ेगा हां हर डिवाइस पे आपके पास ऑप्शन है आप इस पे चेंज करना चाहते हो केवल कमांड इस पे चला दो उस पे कोई ऑपरेशन पे कोई चैलेंज नहीं आएगा नहीं बस आपको यूजर को बताना पड़ेगा कि जब भी आप टेलनेट करो तो एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर साथ में डिफाइन करो ओके क्लियर रीजन क्यों चेंज करेंगे ये डिस्कस करेंगे पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं ठीक है R2 should listen to telnet request on port number other than 23 ठीक है दिस फीचर कैन बी यूज्ड टू ऐड मोर सिक्योरिटी इन योर नेटवर्क कैसे वो हम डिस्कस करेंगे बाद में नाउ इफ वी want to change the port number of telnet then rotary command under line vty is ठीक है जब भी आपको टेलनेट का पोर्ट बदलना हो तो आप क्या कमांड यूज करोगे रोटरी ठीक है अब जब भी आप रोटरी कमांड यूज करते हो लाइन बीटीवाई के अंदर रोटरी आपको मिलता है यहां पे नंबर जो कि होता है 12128 ठीक है मान लो आपने लाइन बीटीवाई के अंदर लिखा रोटरी वन ठीक है अब ये कमांड क्या करेगी डिवाइस पे दिस कमांड विल इनेबल टेलनेट सर्विसेज ऑन बिलो पोर्ट नंबर सीरीज ठीक है तीन सीरीज होती हैं पोर्ट की जो इनेबल हो जाती हैं अपने यहां पहला सीरीज होता है आपका 3000 सीरीज दूसरा होता है 5000 सीरीज और तीसरा 7000 सीरीज ठीक है अब अगर आपने रोटरी कमांड चलाई रोटरी कमांड चलाते ही अपने आप आपका टेलनेट पोर्ट तीन और पोर्ट नंबर पे लिसन करेगा 3000 सीरीज 5000 सीरीज एंड 7000 सीरीज ठीक है अब आखिरी का नंबर क्या होगा दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन दी रोटरी नंबर अगर आपने लिखा रोटरी वन इसका मतलब क्या है आपका टेलनेट रिक्वेस्ट 3001 5001 एंड 7001 पे इनेबल हो जाएंगे ठीक है मान लेते हैं आपने डिवाइस पे कमांड चलाई रोटरी 23 तो इस कमांड से कौन कौन से पोर्ट नंबर इनेबल हो जाएंगे 30 23 50 23 70 23 ठीक है अगर आपने कमांड चलाई रोटरी 125 ये कमांड इनेबल करेगी आपके पोर्ट नंबर 3125 5125 और 7125 ठीक है रोटरी कमांड का मतलब क्लियर है कौन कौन से पोर्ट नंबर पे सर्विसेज इनेबल हो जाती है वो डिसाइड करता है रोटरी नंबर पे दीज सीरीज 3000 5000 एंड 7000 आर प्री डिफाइंड यू कैन नॉट कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर
रिक्वायरमेंट। लेकिन रोटरी कमांड चलाने से पहले मैं बस एक पोर्ट का पोर्ट नंबर 23 जिसमें हां सारी रिक्वेस्ट लिस्ट में होती है। अब रोटरी कमांड चलाने को तीन पोर्ट नेबल कर देते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप या तो ये यूज कर लो या फिर ये, या फिर ये तीनों में से एक यूज करूंगा या तीनों एक साथ तो यूज नहीं कर सकते ना आप। अच्छा, एक कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो सारे यूजर कौन सा सेकंड यूजर हो, सेम राउंड का सेकंड यूजर। हां तो आप इन तीन पोर्ट नंबर्स में से कोई भी यूज कर सकते हो। अब ऐसा रीजन क्यों कि तीन पोर्ट क्या हो ऐसा नहीं पता मुझे। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए होगा। इसका कोई सेंस आई मीन निकल ही नहीं आ रहा क्योंकि ठीक है एक प्रोटेक्टिव है जो यूनिवर्सल पोर्ट में यूज। अब यहां पे एक और बात याद रखना, अगर आपने रोटरी कमांड चलाई जो आपका 23 पोर्ट था वो भी क्या रहेगा इनेबल। रोटरी कमांड से आपका वेल नोन पोर्ट डिसेबल नहीं होगा। ठीक है, विद रोटरी कमांड टेलनेट रिक्वेस्ट आर इनेबल्ड ऑन थ्री पोर्ट सीरीज बट दिस कमांड इज नॉट यूज्ड टू डिसेबल टेलनेट सर्विसेज ऑन पोर्ट नंबर 23। इससे पोर्ट नंबर 23 की सर्विसेज डिसेबल नहीं होगी। ठीक है, रोटरी कमांड को एसएसएस में भी एक और अलग तरीका होता है, करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, लिख लेना बाद में। Now let us do what? Let us run rotary command on R2. Line VTY 024. यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे rotary 4. देखो rotary कमांड चलाने से पहले अगर मैं telnet करूँ port number 3004 पे क्या हो रहा है telnet? नहीं, rotary कमांड चलाओ rotary 4. Telnet request is accepted at 3004 port. Telnet request is accepted at 7000. अच्छा ये क्या लिखना है? 7004. Telnet request is accepted at 5004. 9004 पे no. तीन port number enable होते हैं। ठीक है, 357. क्या अभी हम नॉर्मल टेलनेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, राइट? मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो। रोटरी कमांड कैन बी यूज्ड टू चेंज द पोर्ट नंबर बट अकॉर्डिंग टू टास्क कहां है R2 should listen to telnet request on any port other than 23 पे listen ना करें। कैसे डिसेबल करोगे? देखो एक सिंपल तरीका हो सकता है, हम राउटर के हर इंटरफेस पे एक ACL लगा दे जिसमें कि हम क्या डिनाई करते हैं EQ 23 but ACL applying ACL on the interface is not स्केलेबल सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, ये थोड़ा अलग टॉपिक है जो बाद में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यू कैन यूज कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन। आपको बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में तीन प्लेन्स, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन और कंट्रोल प्लेन। टू डिसेबल पोर्ट नंबर 23 वी कैन यूज कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग। अब कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग में अभी हम क्या यूज करेंगे? MPF।
अगर किसी को समझ में ना आए क्या किया हमने, कोई दिक्कत नहीं, अगले वीकेंड आपको समझ में आ जाएगा एमपीएफ है क्या। क्लास में पॉलिसी में पता है नहीं पता तो इग्नोर करो अभी। क्लास में पॉलिसी में अभी एक तरीका जिससे हम पॉलिसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पोर्ट नंबर डिसेबल करना है 23, आप करोगे एक, आप बनाओगे क्लास मैप टाइप पोर्ट फिल्टर, नाम दे दिया सी मैप। यहां पे आप क्या करोगे, मैच पोर्ट टीसीपी क्यू 23, पॉलिसी मैप टाइप पोर्ट, अभी लिखो मत, कमांड सिंटेक्स गलत हो सकता है, पी मैप। यहां पे आप क्लास कॉल करोगे क्लास टाइप पोर्ट फिल्टर, क्लास का नाम सी मैप, और यहां पे आप एक्शन ले लोगे ड्रॉप, कंट्रोल प्लेन होस्ट सर्विस पॉलिसी टाइप पोर्ट फिल्टर और पॉलिसी मैप का नाम है। क्लास में पॉलिसी मैप का मतलब क्या होता है, ठीक है, नहीं एमपीएफ से आप एडिशनल एक्शन ले रहे हो ना ट्रैफिक पे। अब कमांड सही है कि नहीं कंफर्म करने के लिए कमांड चला लेते हैं एक बार राउटर पे। ये कमांड गलत है। लेट अस रन दी कमांड, क्लास मैप टाइप पोर्ट फिल्टर, नाम दे दिया सी मैप, मैच पोर्ट टीसीपी टेलनेट, पॉलिसी मैप टाइप पोर्ट फिल्टर, पी मैप, क्लास क्लास का नाम सी मैप, और यहां पे एक्शन लिया ड्रॉप, कंट्रोल प्लेन होस्ट सर्विस पॉलिसी टाइप पोर्ट फिल्टर, इनपुट डू शो हिस्ट्री। एक सिंपल भाषा में समझा देता हूं आपको ये क्या किया है हमने। जब भी हम एक एसीएल बनाते हैं, मान लो ACL permit TCP any EQ 23, उसको फिर अप्लाई करते हैं हम इंटरफेस पे, इंटरफेस F0/0 IP एक्सेस ग्रुप, राइट। अब जब भी हम ACL बनाते हैं पहले हम क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस ट्रैफिक पे हम एक्शन लेना चाहते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं परमिट या फिर डिनाई। परमिट और डिनाई क्या है, जो हमने ट्रैफिक आइडेंटिफाई किया उसके ऊपर हम एक्शन क्या लेना चाहते हैं। इंटरफेस पे अप्लाई करते हैं तो हम बताते हैं कि कब एक्शन ले, व्हेन टू टेक एक्शन, अगर ट्रैफिक इंटरफेस 0/0 से रिसीव हो। एसीएल से हम यही काम करते हैं। अब यही काम हम कर रहे हैं क्लास मैप, पॉलिसी मैप और सर्विस पॉलिसी, बस तीनों को हमने अलग कर दिया। क्लास मैप का काम है ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करना, पॉलिसी मैप का काम है एक्शन लेना, सर्विस पॉलिसी का काम है बताना कब एक्शन लें, ठीक है। व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग ACL, दैट इज व्हाट ए पॉलिसी, हमने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया। तो पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के डिवाइस पे दो तरीके होते हैं, या तो आप ACL बना दो या फिर क्लास मैप पॉलिसी मैप सर्विस पॉलिसी यूज कर लो, ठीक है, डन। अब ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लास मैप पॉलिसी मैप सर्विस पॉलिसी जब हम डिस्कस करेंगे जोन बेस्ड फायरवॉल, ठीक है, मे बी अगले वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, डन। अब अगर आप ये कमांड चलाओगे, राउटर विल नॉट लिसन टू एनी रिक्वेस्ट, टेलनेट रिक्वेस्ट ऑन पोर्ट नंबर 23, राउटर इज सिंपली ड्रॉपिंग द रिक्वेस्ट, वो रीसेट भी नहीं बोल रहा, प्रोसेस ही नहीं कर रहा डिवाइस,
समझे? टाइम हो गया घर जाने का, कल ले लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है? ओके। अगर आप पोर्ट नंबर 3004 पे करोगे तो हो जाएगा, लेकिन 23 पे लिसन नहीं करेगा। डन। तो हमने इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, हमने कॉन्फ़िगर किया कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन। हाँ जी, टेलनेट पोर्ट को बदलना और टेलनेट पोर्ट को डिसेबल करना, ठीक है? नाउ लेट अस सी द सेम थिंग इन SSH। अब मैंने SSH का कभी वेरीफाई नहीं किया है, बट लेट अस ट्राई टू SSH। SSH तो इनेबल है शायद, डू शो क्रिप्टो की माई पब की RSA इनेबल SSH, लॉगिन लोकल कमांड नहीं है, बस लाइन BTY024 लॉगिन लोकल। टास्क लिख लेते हैं पहले एक, है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा हूँ, नहीं है तुम्हारे सिलेबस में ये चीजें। ठीक है, नाउ R2 शुड लिसन टू SSH रिक्वेस्ट, लेट्स से ऑन पोर्ट नंबर 8923। मैंने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं है ये, लेट अस ट्राई दिस फॉर फर्स्ट टाइम। पहले तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे रोटरी कमांड से SSH पोर्ट नंबर भी इनेबल हो रहे हैं या नहीं, ठीक है? अभी हमने रोटरी कमांड चला रखी है लाइन BTY पे, टू शोरन सेक्शन BTY, रोटरी कमांड चली हुई है 3004। नाउ लेट अस ट्राई टू SSH ऑन 3000 पोर्ट नंबर, SSH-P पोर्ट नंबर, कितना पोर्ट नंबर बताना है, 4, और IP SSH-L-P 3004 नहीं हो रहा, ठीक है? IPSSH कोई कमांड है पोर्ट बताने की? IPSSH पोर्ट, क्या पोर्ट बोला था मैंने, 8923। अच्छा, रोटरी बताना पड़ेगा हमें, रोटरी 4। ऐसे सर्च करते हैं 1.2 को पोर्ट नंबर 8923, हो रहा है? ये मोर सिक्योर हो गया। बस यहाँ पे एक कंडीशन है, प्रवीण नहीं बना क्या? अच्छा, डिवाइस को रिलोड किया है मैंने, रिलोड किया था ना डिवाइस को, तो यूजर नेम भी गायब हो गया। ठीक है, अब आप अपने अकॉर्डिंग पोर्ट नंबर बता सकते हो, ठीक है? वो भी इनेबल रहेगा, आपको डिसेबल करना पड़ेगा, चेक कर सकते हैं हम 192.168.1.2 पोर्ट नंबर 22 वो इनेबल है, रोटरी कमांड से डिसेबल नहीं हो रहा। अब आप यहाँ पे देखो, जब मैंने IPSSH पोर्ट नंबर बता ही दिया तो मैं रोटरी कमांड क्यों बता रहा हूं? पहली बात, अगर मुझे लाइन BTY के अंदर कोई भी पोर्ट बदलना है, चाहे वो टेलनेट हो या फिर SSH हो, मुझे क्या चलाना है, रोटरी कमांड। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कमांड चला दी IPSSH पोर्ट नंबर 8923 रोटरी 3, जो कि इनेबल्ड ही नहीं है लाइन BTY पे, तो पोर्ट नंबर इनेबल नहीं होगा। यहाँ पे आपको वो रोटरी कमांड बतानी है जो आपने लाइन BTY के अंदर चला रखी है, नहीं करेगा। कर लेते हैं टेस्ट ये भी,
रुको एक मिनट, फास्ट है ठीक है। तो अभी हमने ब्रेक के बाद वैसे डिस्कस क्या किया है, ये पोर्ट नंबर डिसेबल करना, यहां तक क्लियर था, यहां तक क्लियर था ना, टेलनेट का पोर्ट नंबर डिसेबल करना। अब यहाँ पे स्पीड इसलिए बढ़ गई थी यार, वो डिस्कशन सा होने लगा था, तो सॉरी यार उसकी वजह से अगर इफेक्ट हुई तो क्लास। यहां तक क्लियर था, अब हमें क्या करना था, R2 पे SSH पोर्ट नंबर बदलना था ठीक है। तो हमें पता है कि भैया एक कमांड होती है IPSSH पोर्ट नंबर, राइट, हमने वो कमांड चला दी IPSSH पोर्ट, जो भी पोर्ट नंबर देना 8923 ठीक है। और अगर हम यहां एंटर करेंगे तो एरर मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमें बताना है रोटरी कमांड। मान लेते हैं हमने रोटरी बता दिया 2, राइट, नाउ लाइन BTY के अंदर रोटरी क्या कॉन्फ़िगर्ड है 4। चेक करते हैं क्या अभी हम डिवाइस को SSH कर पाएंगे इस पोर्ट नंबर के साथ या फिर नहीं। कमांड को बदल देते हैं, इस कमांड को 2 कर देते हैं ठीक है, डू शोरन सेक्शन रोटरी। अच्छा ये बदला नहीं, इसको हटा के IPSSH पोर्ट 8923 और रोटरी 2 ठीक है। हमने ग्लोबली चला दिया रोटरी 2 और लाइन BTY के अंदर क्या है 4 ठीक है। चेक करते हैं क्या अब हम SSH कर पाएंगे इस डिवाइस को इस पोर्ट नंबर के साथ, 192.168.1.2 पोर्ट नंबर 8923। हो रहा है टेलनेट? नहीं। तो जब भी आप SSH का पोर्ट नंबर बदलोगे, यहां पे जो भी रोटरी नंबर बताओगे, यू हैव टू इनेबल दैट रोटरी नंबर अंडर लाइन BTY, बस ये बताने के लिए कि ये पोर्ट इनेबल किया है। यू आर बाइंडिंग दिस पोर्ट इनडायरेक्टली विद द रोटरी कमांड। यहां पे तो हमने रोटरी नंबर चेंज किया था, मैंने कोड कर दिया, मगर बाय डिफॉल्ट मुझे मैंने कोई चेंज नहीं किया था SSH चेंज नहीं। अगर आपने लाइन BTY के अंदर कोई रोटरी कमांड नहीं चलाई तो आप पोर्ट नंबर नहीं बदल सकते। पोर्ट नंबर बदलना है तो आपको रोटरी कमांड चलानी ही पड़ेगी लाइन BTY के अंदर। रोटरी को मुझे एक पर्टिकुलर नंबर से एक BTY से बाइंड करना पड़ेगा। हां, और उसको आप यहां पे बाइंड करोगे। अच्छा, वो बाइंड वो हमेशा के लिए रहेगा, राइट? ठीक है, डन। तो नाउ यू गाइस नो हाउ टू चेंज द टेलनेट पोर्ट एंड हाउ टू चेंज द SSH पोर्ट। टेलनेट के केस में दिक्कत क्या है, पहले से प्री डिफाइंड है 3000, 5000 या फिर 7000। SSH के केस में हम कोई भी पोर्ट नंबर बता सकते हैं, 0 से 1 से लेकर 10000 तक ठीक है, बट आपको रोटरी कमांड यूज करनी पड़ेगी, उसका अभी यहाँ पे पोर्ट नंबर से कोई लेना देना नहीं। मेरे अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक यू कैन स्पेसिफाई वेल नोन पोर्ट नंबर, आप कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर बता सकते हैं ठीक है। इतना क्लियर है? अब ये हमने पोर्ट नंबर बदले क्यों, पहले बात करते हैं टेलनेट वाली ठीक है। अब मान लेते हैं ये कोई सर्वर है जो कि रिक्वेस्ट लिसन करता है किस पे, टेलनेट पे ठीक है। अब मान लेते हैं भाई तुम्हारी कंपनी में कोई ऐसा यूजर है जो कि खुश नहीं है अपने काम से, वो इस डिवाइस को बंद करना चाहता है, मतलब ताकि आपका कोई भी ट्रैफिक पास ना हो। मान लेते हैं ये ऐसा डिवाइस है जिससे सारे इनसाइड यूजर कनेक्टेड है और यहां से सारा ट्रैफिक पास हो रहा है। अगर ये डिवाइस बैठ गया, आपका सारा इनसाइड यूजर का ट्रैफिक बैठ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई यूजर है जो कंपनी में जो कि खुश नहीं है, अब वो यूजर ऐसा कुछ कर सकता है, एक ऐसा टूल इंस्टॉल कर सकता है जिससे ये यूजर थाउजेंड्स ऑफ टेलनेट पैकेट सेंड करे विद इन सेकंड्स। अब मान लो मैंने एक पैकेट सेंड किया पीसी से, डिवाइस क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा, 3 बैंड सेक बनाएगा। अब मैंने एक सेकेंड में हजारों पैकेट सेंड कर दिए, ये डिवाइस क्या करेगा, हर पैकेट को रिप्लाई करेगा। इससे आप डिवाइस को क्या कर सकते हो,
हैंग कर सकते हो, डिवाइस बैठ जाएगा, इससे क्या होगा आपका इनसाइड का सारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा इफेक्ट। अब ये अटैक क्या कहलाता है, डोस अटैक। आप ये अटैक क्यों कर रहे हो, डिनाइल ऑफ सर्विस के लिए, सर्विसेज को डिनाई करने के लिए, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं यूजर मैनुअली 100 packets सेंड करेगा, एक कमांड चलाओ फिर देखो खेल। समझ रहे हो ना अभी हमने क्या डिस्कस किया, अगर कोई भी डिवाइस पे आप थाउजेंड्स ऑफ पैकेट सेंड करोगे वो डिवाइस हर पैकेट का रिप्लाई करेगा, जिससे क्या हो जाएगा सीपीयू हाई, और जब सीपीयू से हो जाएगा तो ये डिवाइस किसी भी ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने लायक नहीं बचेगा, ठीक है। अब हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए मान लेते हैं क्या था टेलनेट सर्वर, हमने क्या किया पोर्ट नंबर बदल दिया, क्या कर दिया 3000 या फिर 5000 पे। अब भाई अटैकर है, अटैकर को भी पता होगा कि रोटरी कमांड होती है, वो भी गैस कर सकता है कौन सा पोर्ट नंबर पे लिसन कर रहा है। अटैकर कैन इजीली डू व्हाट, यहां पे एक क्या कर सकता है पोर्ट स्कैनिंग, पता कर सकता है ये अटैकर यहां बैठा बैठा कि इस डिवाइस पे कौन कौन सा पोर्ट नंबर ओपन है, किस पे मैं अटैक कर सकता हूं। अटैकर कैन इजीली गैस दैट थिंग, या फिर अटैकर को पता हो कि रोटरी कमांड होती है, ही कैन इजीली कम टू नो व्हाट इज द पोर्ट नंबर। फिर से अटैकर को अगर पता चल गया कि 3023 है तो अटैकर कैन अगेन डू द अटैक, ठीक है, राइट, क्लियर, इतना क्लियर है। अब अगर आपको ये सब प्रिवेंट करना हो, या तो आप ऐसा कोई पोर्ट नंबर बताओ जो कि पहले से प्री डिफाइंड ना हो, जैसे कि मैंने बताया 8923, क्या ये पहले से प्री डिफाइंड है, नहीं, मैंने अपना कोई पोर्ट नंबर यूज कर लिया। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, अगर अटैकर ने पोर्ट स्कैनिंग से पता लगाया कि 8923 पोर्ट ओपन है, दिस अटैकर कैन सेंड थाउजेंड्स ऑफ पैकेट अगेन ऑन दैट पोर्ट नंबर, फिर इसका कोई मतलब नहीं रहा पोर्ट बदलने का, हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, राइट, समझे इतना। पहले आपको ये अटैक करके दिखा देता हूं, ये क्या है, आपके सारे यूजर कहां कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में, रियल नेटवर्क में, स्विच के थ्रू, एक्सेस स्विच। अभी ये स्विच से एक यूजर कनेक्टेड है किस पोर्ट पे, 0/0 पोर्ट पे, तो मैक्सिमम कितने मैक एड्रेस लर्न कर लेगा ये, 1-2 अगर VMware भी चल रहा है तो, राइट। शो मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल इंटरफेस E0/0, कितने मैक एड्रेस है, 3 मैक एड्रेस, ठीक है, वो VMnet एडाप्टर वगैरह चल रहे हैं ना तो उसके आ रहे हैं मैक एड्रेस, डन। अब अटैकर सिंपली जो यहां पे कनेक्टेड है वो एक कमांड से हैं क्या, हाँ ये तो मैंने एक नाम दे रखा है, कर भाई स्टार्ट, ये देखो थोड़ा प्रोसेसिंग हाई हो गई मेरे पीसी की, मैंने डिवाइस पे एक कमांड चलाई मैक को, अब ये क्या कर रहा है, देखो कितने सारे मैक एड्रेस सेंड कर रहा है डिवाइस के पास, स्विच के पास, बैठ गया स्विच। भैया ये भी क्या एक तरीके का डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब आप देख सकते हो
शो मैक एड्रेस टेबल इंटरफेस E0/0। पहले कितने मैक एड्रेस थे? 4 मैक एड्रेस। ये देखो कितने मैक एड्रेस हैं। तो अटैकर मैनुअली सेंड नहीं करेगा, देयर आर टूल्स ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड, आप बस आपको यूज करना आना चाहिए। कैसे यूज करोगे? तो इसी तरीके से डिवाइस कोई भी TCP बेस्ड अटैक भी कर सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे एक दिक्कत आई कि अगर हमने पोर्ट बदल भी दिया और अटैकर को पोर्ट पता चल गया, दैट अटैकर कैन स्टिल डू द अटैक, राइट? अब या तो हम ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर करें इस डिवाइस पे जिससे क्या हो, ये एक सेकंड में या फिर एक मिनट में एक ही पैकेट प्रोसेस करे, मतलब हम अटैक की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि जब भी कोई पैकेट आ रहा है, अटैकर इज सेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ पैकेट पर सेकंड। हम ऐसा करते हैं डिवाइस पे कुछ कॉन्फ़िगर जिससे कि ये एक पैकेट से ज्यादा प्रोसेस ही ना करें, या फिर ऐसा कुछ कर दें कि जब भी एक पैकेट आए दूसरे पैकेट को प्रोसेस करने से पहले ये कितना टाइम ले, 10 सेकंड। क्लियर? अब अगर आपको ये पैकेट पर प्रोसेसिंग कम करनी है, अगेन व्हाट यू कैन यूज कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन और कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग। अगर आप डिवाइस पे जो पैकेट आ रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए जो लिमिट है उसको कम करना चाहे तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये लगा दिया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप चाहते हो कि अगर अटैक हो तो मेरा डिवाइस ना बैठे। अभी मान लो कोई जेन्युइन यूजर है, उसने कोई पैकेट सेंड किया, हो सकता है वो एक बार पासवर्ड गलत डाल दे या फिर दो बार पासवर्ड गलत डाल दे, दो बार रिक्वेस्ट कर ले, 100 बार क्यों करेगा? आपको यहां पे अपने डिवाइस को अटैक से बचाना। ठीक है, सारा खेल डिपेंड करता है सिक्योरिटी कितना चाहते हो आप। तो आप कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन और कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग से आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, डन कर सकते हो, करके देख लेना। अब अगली चीज देखते हैं। मान लेते हैं यहां पे आपने राउटर 1 पे, अभी हमने डिस्कस किया किस तरीके से हम पोर्ट नंबर को बदल सकते हैं और पोर्ट नंबर बदले क्यों। ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया अभी तक। अब आज एक आखिरी और चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज प्रिवेंटिंग एनी ब्रूट फोर्स अटैक। एक तो होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, वो मैंने बस आपको बताया किस तरीके से होगा, प्रिवेंट किस तरीके से करेंगे, करके नहीं दिखाया मैंने, बट आपको ये बता दें कि किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो, क्लास मैप पॉलिसी मैप को यूज करके। ठीक है, गूगल करोगे तो मिल जाएगा, प्रिवेंटिंग डोस अटैक ऑन टेलनेट और SSH। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हाउ वी कैन प्रिवेंट ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का, प्रिवेंटिंग ब्रूट फोर्स अटैक। Preventing brute force attack. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि brute force attack है क्या? क्या है brute force attack? Speed ठीक है ना? क्या करते हैं? सारे password. Brute force attack. It is an attack that can be used to guess any password. ठीक है, ये एक ऐसा अटैक है जिससे कि आप किसी भी पासवर्ड को गेस कर सकते हो। आप एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले। आप जब भी facebook.com एक्सेस करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं मुझे इस भाई की ईमेल आईडी पता है, abc@facebook.com। ठीक है, मैंने यहां पे पासवर्ड ट्राई किया एक,
कुछ भी पासवर्ड ट्राई किया, रॉन्ग पासवर्ड, दूसरा पासवर्ड ट्राई किया, रॉन्ग पासवर्ड, तीसरा पासवर्ड ट्राई किया, रॉन्ग पासवर्ड, तीन या चार पासवर्ड के पास क्या होगा, दिस अकाउंट विल बी लॉग्ड, या फिर ऐसा होगा कि यू कैन नॉट लॉग इन टू दिस फेसबुक अकाउंट फॉर एटलीस्ट वन आवर। क्यों? क्योंकि भाई फेसबुक को भी लगेगा कि भैया यूजर एक बार पासवर्ड टाइप गलत टाइप कर देगा, दो बार कर देगा, तीन बार कर देगा, ये तो बार बार हो रहा है, मतलब मे बी एनीवन इज ट्राइंग टू गेस द पासवर्ड, समझे? तो आप ये जहां पे भी आप पासवर्ड टाइप करते हो वहां पे हमेशा आपको ये सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है? यहां पे आप क्या कर रहे हो, अलग अलग पासवर्ड ट्राई कर रहे हो, मतलब यू आर ट्राइंग टू ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है, आपको यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी पता है, पासवर्ड नहीं पता, आप गेस कर रहे हो पासवर्ड को यूजिंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड कैरेक्टर्स, क्लियर? आप जब भी आप फेसबुक पे, मान लो मैं फेसबुक पे लॉगिन कर रहा हूं, आई एम मैनुअली टाइपिंग दी पासवर्ड, आई एम मैनुअली गैसिंग दी पासवर्ड, ठीक है? अब रियल टाइम में अगर मुझे कोई पासवर्ड गैस करना हो, मान लो यहां से इस राउटर पे मुझे पता है, इस राउटर पे एक यूजर नेम कॉन्फ़िगर्ड है प्रवीण, बट उसका पासवर्ड नहीं पता, तो आप इस पीसी पे आप एक टूल इंस्टॉल कर सकते हो, उस टूल को बता सकते हो कि भैया जो पासवर्ड तुम्हें गैस करना है वो कितने कैरेक्टर का है, ठीक है, नंबर रखने हैं कि नहीं, जब तुम गैस करो ना पासवर्ड को, सारी चीजें आप बता सकते हो। फिर ये टूल क्या करेगा, अपने आप बस स्टार्ट करो, पासवर्ड सेंड करेगा, एबीसी नहीं चला, फिर एबीसीडी नहीं चला, एबीसीडीईएफ, ऐसे दिस टूल विल ट्राई दी पासवर्ड्स, और फाइनली अगर आपका पासवर्ड इजी हुआ, दिस टूल कैन इजीली आइडेंटिफाई दी पासवर्ड, ठीक है? इट मे टेक टाइम, बट पासवर्ड आप इजीली क्रैक कर सकते हो, क्लियर? ये करके दिखाया था मैंने या नहीं? मैंने करके देखा था। अच्छा, तुम तो एनपी में आए थे, ठीक है, क्लियर? अब मान लो यहां पे एक यूजर नेम कॉन्फ़िगर्ड है प्रवीण, किसी यूजर ने मैन्युअली लॉगिन किया, टेलनेट किया, इस यूजर को पासवर्ड नहीं पता, इसने क्या किया, प्रवीण टाइप किया, फिर पासवर्ड टाइप किया सी, पासवर्ड रॉन्ग, फिर से राउटर ने क्या किया, पासवर्ड प्रॉम्प्ट दिया, इसने टाइप किया सी सी, फिर से पासवर्ड रॉन्ग, फिर से इसने टाइप किया ए बी सी, मतलब बार बार ये पासवर्ड क्या कर रहा है, गैस। अब ये बताओ बाय डिफॉल्ट राउटर कितने अटेम्प्ट देता है, अनलिमिटेड, ठीक है? अगर कोई अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है, ही विल गेट अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स टू डू दी अटैक, मतलब अगर किसी अटैकर के पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, ही कैन इजीली गेस दी पासवर्ड यूजिंग एनी टूल। दिखा देता हूं आपको, टेलनेट अटैक चल ही रहा है क्या, 192.168.1.2, टेलनेट क्यों नहीं हो रहा, एसीएल लगा रखी है, अच्छा रोटरी, नो कंट्रोल प्लेन, हो गया टेलनेट, यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड नहीं पता, पहला अटेम्प्ट प्रवीण, पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड, दूसरा अटेम्प्ट प्रवीण, प्रवीण रॉन्ग पासवर्ड, चौथा अटेम्प्ट प्रवीण रॉन्ग पासवर्ड, यूजर इज गेटिंग अनलिमिटेड अटेम्प्ट, तो यूजर क्या कर सकता है, पासवर्ड को गैस, अगर पासवर्ड इजी हुआ, यूजर कैन इजीली गैस दी पासवर्ड, मे बी उसको एक दिन लगे, दो दिन लगे, डिपेंडिंग ऑन दी पासवर्ड लेंथ, क्लियर? अब हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ अटैक वेन एवर ए यूजर इज टेलनेटिंग और डूइंग SSH टू दी डिवाइस, ठीक है? ये हमें देखना है लास्ट टॉपिक, प्रिवेंटिंग ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है? टास्क,
R2 should not give more than, R2 should block the telnet and SSH services if any user is attempting more than two failed attempts. ठीक है, रियल टाइम में दो नहीं रखोगे आप, कम से कम दस रखो, मतलब तीन या चार रखोगे आप. ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है, R2 should block the telnet and SSH services if any user is attempting for more than two attempts. अब सर्विस कितनी देर के लिए बंद कर रहे, मान लेते हैं सर्विस बंद हो फॉर 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट तक कोई भी यूजर लॉगिन ही ना कर पाए. अगर आपको अटैक से प्रिवेंट करना है, आप क्या करो, उस लाइन को ही बंद कर दो, अटैक इज प्रिवेंटेड. राइट, पहले हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से ये फेल्ड अटेम्प्ट बता सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, जो बने हुए हैं वो खत्म नहीं होंगे, कोई नया बनेगा तो वो खत्म हो जाएगा, उसको कैसे आप सही कर सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम. हैं तो भाई, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ. डन, तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक नेक्स्ट वीक.